फॉर द एंटायर एग्जाम एक साल पहले, मतलब 2015 में मैं ग्रेजुएट कर रही थी, तो 2015 to 16 एक साल के लिए मैंने प्रिपेयर किया इस पूरे एग्जाम के लिए. सिर्फ प्रिलिम्स के लिए मैंने प्रिलिम्स के एक दो महीने पहले काफ़ी मॉक पेपर्स सॉल्व किए, क्योंकि प्रिलिम्स में इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज होते हैं, हमें एलिमिनेशन आना चाहिए. सो फॉर प्रिलिम्स आई सॉल्व अ लॉट ऑफ मॉक पेपर्स, दैट वॉज माई स्ट्रैटेजी फॉर प्रिलिम्स. सर, जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है आईएएस प्रिलिम्स में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वही हमारा कट ऑफ डिसाइड करता है, वही डिसाइड करता है कि हम मेंस लिख पाएंगे कि नहीं. तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी जनरल स्टडीज़ में कि मैं सारी एनसीईआरटीज फॉलो करूं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, एक साल का लिमिटेड टाइम था. तो मैंने ये एक फंडा बना लिया था कि मैं एक ही दो किताबों को बार बार पढ़ूंगी रादर देन बहुत सारी किताबों को एक बार पढ़ूं. तो मैंने एनसीईआरटीज थ्रू आउट 6 से 12 तक पढ़ी और रिवाइज़ किया. इसके अलावा प्रिलिम्स के लिए मैंने एक बुक फॉलो की थी, पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, और एक मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए फॉलो किया था वेबसाइट ccrt.com. तो यही दो तीन बुक्स और वेबसाइट्स थी जिससे मैंने प्रिलिम्स की तैयारी की. करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिलिम्स में हमारे टाइम पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आए थे, तो उसके लिए मैं इंटरनेट का यूज़ करती थी, मैं वेबसाइट्स पे करंट अफेयर्स फॉलो करती थी. तो कुछ वेबसाइट्स जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया, isbaba.com, jagranjosh.com, इस पे मैं करंट अफेयर्स रेगुलरली डेली बेसिस पे फॉलो करती थी, विच वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी इन द एग्जाम. सीसैट इम्पॉर्टेंट है. कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि सीसैट में सिर्फ 33% लाना है और वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, बट उसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए. जैसे कि इस बार का पेपर अगर हम लोग देखें तो मैं सॉल्व कर रही थी, तो मुझे सीसैट काफ़ी टफ लगा था. तो सीसैट के लिए मैंने ये किया था कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे और थोड़े मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज कर लिए थे. indiabigs.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ से, और रीजनिंग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली थी. अरुण शर्मा सर की एक बुक आती है उससे. तो सीसैट में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथमेटिक्स. तो जो भी सेक्शन पे हमारा होल्ड है, हमारा स्ट्रेंथ है, उसी को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उसके सारे क्वेश्चन सही हों ताकि क्वालिफाइंग मार्क्स तक आ जाए. For the IAS prelims exam, to the future candidates, I will just say कि prelims is the most unpredictable part, most tricky part of this exam. तो prelims में you require a lot of practice and that can be easily done from the mock papers. तो अगर आप अच्छे से mock papers खूब सारे solve करें, previous year के question papers solve कर लें, और prelims में थोड़ा daily basis पे MCQs practice कर लें. For example, अगर हम parliament का कोई chapter पढ़ते हैं तो साथ ही साथ उसके MCQs थोड़े practice कर लें, तो prelims के preparation अच्छे से हो जाती है. प्रिलिम्स के दिन इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें हम श्योर हों 100% हमें आंसर पता हो, और जिसमें हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो वहाँ पे एक इंटेलिजेंट गैस या कैलकुलेटेड गैस लेना चाहिए. और जिन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है. तो जैसे मेरे से ये गलती हुई थी कि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे, फिर नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा हो गए थे प्रिलिम्स में. तो आप प्रिलिम्स में उन क्वेश्चंस को छोड़ दें जिनके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, और जिनके बारे में थोड़ा आइडिया है कैलकुलेटेड गैस लेके प्रिलिम्स का पेपर सॉल्व करना.